गाइज, यहाँ पर जो Redmi का अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इस फ़ोन का नाम क्या होगा, क्या ये सच में Redmi X होगा या किसी और नाम से आएगा। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इस फ़ोन का नाम क्या होगा, और ये फ़ोन किस नाम से इंडिया में आ सकता है, किस प्राइस रेंज में आ सकता है, और ये फ़ोन कैसा होने वाला है, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन और सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्ट। इस पहली मैं आपको बता दूं, ये जो Redmi X है इसका नाम कभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इस फ़ोन का नाम आपको Redmi X देखने को नहीं मिलेगा, कुछ और ही इसका नाम होगा। लेकिन रूमर्स के मुताबिक इसका नाम K20 Pro हो सकता है। लेकिन अब K10 कहाँ गया, और आप सोचेंगे कि K20 कहाँ गया, तो यहाँ पर प्रॉबेबली इसका नाम हो सकता है इंडिया में Poco F2, और चाइना में कुछ और नाम से जा सकता है, लेकिन ये इंडिया में Poco F2 के नाम से आ सकता है। सो ये सबसे पहले अगर बात कर ले इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.3 inches का एक बेजललेस फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बात कर ले अगर इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ग्लास बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो Poco F2 आया था उसका सबसे बड़ा दिक्कत था उसका बिल्ड क्वालिटी, यानी उसका प्लास्टिक बैक। इस बार आपको इस फ़ोन में ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देगा। सो इस बात कर ले अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, जो कि बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से, यहाँ पर आपको क्वालकॉम 855 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके फ़ोन को एकदम रॉकेट की तरफ भगाएगा। मतलब सोच ही सकते हैं कैसा भगाएगा। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, और डिस्प्ले के मामले में मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर बात कर ले कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, एक 48 megapixel का IMX586 का सेंसर, जो कि एक 48 MP का सेंसर है, आप सभी लोगों को पता है Redmi Note 7 Pro में यही सेम सेंसर देखने को मिल जाता है, और एक है 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और एक है 8 megapixel का टेलीफोटो लेंस, जो कि आपको Mi A3 में भी देखने को मिल सकता है। और अगर बात कर ले इस फ़ोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको 32 megapixel का कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि आपके मतलब थोपड़े के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा चंगा सेल्फी आपको देगा। तो यहाँ पर कैमरे के मामले में ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि Poco F1 भी कैमरे के मामले में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। तो यहाँ पर अगर बात कर ले बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो बैटरी है वो है 4000 mAh की, और USB Type-C भी आपको मिल जाएगा, USB Type-C आपको मिल जाएगा, क्योंकि Poco F1 में भी था। और एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसका जो मेन चीज़ है इसका प्राइस, और हम सभी लोगों को पता है कि पोको सीरीज़ के प्राइस है वो एकदम फ्लैगशिप किलर रहती है, तो इसका जो बेस्ट वेरिएंट होगा वो 25,000 से नीचे ही होगा। सो इस यही छोटा सा एक अपडेट आपको Redmi X या फिर Poco F2, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके बारे में देना था। सो इस अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, वीडियो को ज़रूर से एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। अगर चैनल में नए आ गए हो तो चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जाना, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे तोड़ डालना, फोड़ डालना, जो कुछ कर लेना भाई, लेकिन भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो इस आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।